उधम सिंह नगर के खटीमा में ग्रामीणों ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपकर रेलवे विभाग द्वारा बंद किए गए रास्ते को खुलवाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी रेलवे विभाग ने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग स्वीकृत नहीं की, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग पुलिया के नीचे से आवागमन शुरू कर दिया था, लेकिन अब रेलवे विभाग ने इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर मार्ग को सुचारू नहीं किया गया तो वो आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। वहीं मामले में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद ही रास्ता बनाया जा सकता है। बस इनका रेलवे ट्रैक जा रहा है, नीचे से चाह रहा है कि क्योंकि इनके वहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता नहीं, तो नीचे नीचे अंडरपास की इनकी डिमांड थी। डिविजनल इंजीनियर साहब भी मेरे साथ थे रेलवे के, उनके द्वारा कहा गया कि ये प्रपोजल देंगे तो ये बनाया जा सकता है, लेकिन इसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो देखेंगे इसमें इनकी तरफ से प्रस्ताव आएगा तो उसको देखा जाएगा और जैसा भी होगा उसका अनुरूप कार्य किया जाएगा।